जबलपुर के बलहरी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में एक सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को जबलपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी सगे भाई हैं जो गंगापुर के रहने वाले हैं। आरोपियों ने सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या करने के बाद लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए थे। आरोपियों की धरपकड़ में जबलपुर पुलिस की कई टीमें प्रदेश के कई राज्यों में घूम रही थी। इसी दौरान पुलिस को वाराणसी में कामयाबी मिली। जबलपुर से सुनील सिंह की खास रिपोर्ट। दिन घटना हुआ था, एक वो गनमैन की तो स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई थी और दूसरे लोग काफी गंभीर रूप से घायल थे। इन लोगों ने 6 लाख उसमें डिसाइड किया। फिर कंपनी ने बोला कि हम लोग जब ये ठीक हो जाएंगे फिर इनसे पूछताछ करके एक फिगर को आएंगे। तो इनके पास वो विसंगतियाँ तो थी उसके पास, मगर जब इन लोगों के पास जब आरोपियों को पकड़े थे, जब उनके निशानदेही पे जब मिला था, तो उसमें टोटल इन लोगों ने बताया 33 लाख था। 33 लाख में से इन लोगों ने 32,98,000 केवल 2,000 रुपये खर्चा हुआ। इनका कहना है कि इन लोगों ने 500 रुपये कहीं पर पेट्रोल भरवाया था और 1,500 रुपये इनका खर्चा हुआ। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज़ को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।